किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि के लिए राजनैतिक स्थिरता तथा आंतरिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में साहित्य, संस्कृति, उद्योग तथा ललित कलाओं का ह्रास होने लगता है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के भिन्न भिन्न भागों पर एक लंबे समय तक अनेक छोटे बड़े राजाओं का आधिपत्य था। सभी शासकों के स्वार्थ अलग थे और उनकी कामनाएं अलग थी। उस समय ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और पारस्परिक कलह का बोलबाला था। ऐसे ही समय में चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। कुमार देवी अत्यंत उदार और करुण स्वभाव की महिला थी। इस काल का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत स्तंभ है। प्रयाग स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त बाल्यावस्था से ही विलक्षण प्रतिभा से संपन्न था। वह साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त का बाल्यकाल माता कुमार देवी जैसी उदार एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला के संरक्षण में व्यतीत हुआ। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, जनहित कामना, राष्ट्र प्रेम, साहस, परोपकार तथा सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शिक्षा उसे बाल्यावस्था से ही माता से मिली थी, जो आगे चलकर उसके जीवन का अंग बन गई। बचपन से ही समुद्रगुप्त की यह अभिलाषा थी कि समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया जाए। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने भारत की शक्ति को खंडित करने वाली देशी व विदेशी ताकतों को नष्ट करने का संकल्प लिया। भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु समुद्रगुप्त ने विजय यात्रा प्रारंभ की। प्रयाग के अशोक स्तंभ में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत विवरण मिलता है। सबसे पहले उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके साहस और पौरुष की चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करता था और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेता था। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण राज्यों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाना आवश्यक था। प्रयाग स्तंभ में इसका उल्लेख है। इस यात्रा के लिए उसे अत्यंत भयावह और बीहर जंगलों को पार करना पड़ा। कहीं पहाड़ लांघने पड़े, कहीं नदियों पर पुल बांधने पड़े और कहीं हाथियों से ही पुल का काम लेना पड़ा। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से प्रवेश कर दक्षिण कौशल की राजनगरी श्रीपू पर घेरा डाला। इसके बाद उसने बीहर जंगली प्रदेश महाकांतार पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। पल्लव राजा को छोड़कर सभी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पल्लव राजा विष्णुगोप की हाथियों की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन समुद्रगुप्त के आक्रमण की आंधी को वह भी नहीं रोक सकी और अंत में उसे भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सीमांत प्रदेश के 5 तथा 9 अन्य गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात आर्यावर्त, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत और कलिंग से लगे जंगली प्रदेशों के 18 अटवी शासकों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन अभियानों में 3 वर्ष में 3000 मील की यात्रा की थी। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक था। वह जानता था कि एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों की व्यवस्था करना कठिन होगा, इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात
उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और उनका राज्य अनुग्रह पूर्वक उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया। लगभग समस्त भारत पर विजय पताका फहराने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता था तभी वह यह यज्ञ किया करता था। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। समुद्रगुप्त ने यह यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर दान देने के लिए उसने सोने की मोहरे विशेष रूप से ढलवाई। इन पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रमा शब्द अंकित था। इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज घोषित किया गया। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत पर एक छत्र राज्य की स्थापना था। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। समुद्रगुप्त शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों और मार्गों का एक विशालतम जाल बिछा था। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। गुप्त वंश के सभी राज्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे सब परम वैष्णव थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के विकास तथा उत्थान के लिए समान अवसर तथा सहायता प्रदान करता था। समुद्रगुप्त ने लंका के राजा को गया में महाबोधि संघराम नामक विहार बनवाने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार उसके शासनकाल में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु वसुबंधु ने भी की है। समुद्रगुप्त न केवल शास्त्रों में ही कुशल था वरन शास्त्रों में भी उसका लगाव था। साहित्य और संगीत में उसकी बड़ी रुचि थी। वह स्वयं एक अच्छा लेखक और कवि था। वह साहित्यकारों और कवियों का आश्रयदाता था। उसका मंत्री हरिसेन भी उच्च कोटि का कवि था। कहते हैं बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में बड़ा निपुण था। प्रयाग के स्तंभ तथा सिक्कों पर अंकित वीणा से इसकी पुष्टि होती है। यह समुद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा ही थी कि वह कविराज की उपाधि से सुशोभित था। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्ष तक सुख और शांति से शासन चलाया। प्रयाग स्तंभ से यह स्पष्ट है कि वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य की कल्पना से प्रेरित था। अपनी इसी अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष के बल पर वह एक प्रबल केंद्रीय राजसत्ता की स्थापना कर सका। सेनापति और सम्राट के रूप में तेजस्वी समुद्रगुप्त में ऐसे भी अनेक गुण थे जो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अधिक अनुकूल थे। प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों से हमारे समक्ष एक ऐसे वज्रदेव शक्तिशाली सम्राट की मूर्ति खड़ी होती है जिसने देश को धन धान्य से परिपूर्ण किया। तत्कालीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता ने उस नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें 5 सदियों से छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित हुई। इसे भारत का स्वर्णयुग भी कहा जाता है।